अभी तो बहुत कम हो गई है। अरे कौन से स्टाइल में राजमा गरम हो रहा है, चावल भी नहीं चमकाते। मैंने खाना वाना ऐसे कर करके लगाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी फरहा चौधरी, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई मेरा दिन बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, पर आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी तो इसलिए उठते ही शूट नहीं करा मैंने। मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ, थोड़ा बहुत जो मैं काम करती हूँ वो भी मैंने कर लिया। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि हमारे घर में जो एसी लगा हुआ है उस पर कितनी बर्फ़ जम गई, ये देखो कितनी ज़्यादा। अभी तो बहुत कम हो गई है पर इससे भी ज़्यादा जमी हुई थी। ये हो जाती है फिर ये कूलिंग करना बंद कर देता है। और अभी फरहीन किचन से आ रही है, आज फरहीन ने पराठे बनाए तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, पर जब खाने बैठेंगे तब वो मैं आपको दिखाऊंगी। बताओ 1 बजे हमारे घर में नाश्ता हो रहा है, 1 भी नहीं बज रहा, मुझे लग रहा 2 बज रहे होंगे। सोनू भाई वो तो नाश्ता मांग रहा था, वो तो कह दिया कि खाना खा ले। यहाँ हो रहा है राजमा गरम, और इधर पता नहीं कौन से स्टाइल में राजमा गरम हो रहा है। अरे सारा क्या करती हो, चाय खाते हो थोड़ा कर ले, सब खाएंगे तो सही। अब तो फिर ओवन में हो जाएगा ना। भाई को मैंने खाना वाना खाना दे दिया था, अब मुझे लगाना है ऑयल, तो मैं ऑयल लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ सोनू भाई अपने सारे शूज़ ऐसे चमका रहे जैसे हम अपने चेहरे को भी नहीं चमकाते होंगे, और सारे ही निकाल रखे, कितने प्यार से कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप ऑयलिंग कैसे करते हो, क्योंकि मैंने एक बार एक वीडियो में अपने बताया था कि मैं ऑयलिंग ऐसे ही नहीं कर लेती जैसे लोग नॉर्मली करते हो। मैं करके बताती हूँ कि लोग ऐसे डिप करते हैं अपने फिंगर्स को और ऐसे कर करके लगाते हैं, तो मैं कभी भी ऐसे अप्लाई नहीं करती। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको जो भी आप ऑयल लगाते हो जिसमें भी आप खुश हो, क्योंकि मैं तो हमेशा सरसों का तेल ही लगाती हूँ। आपको एक कॉटन लेनी है और कॉटन को डिप करना है, एक्स्ट्रा निकाल देना है, मतलब ज़्यादा भी नहीं। निकालने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको लेयर लेनी जैसे आपका ये पार्टीशन हुआ है, तो इसको ऐसे कॉटन से लगाना है। देखो इससे कितना फर्क पड़ता है कि रूट्स तक जाता है, मतलब जड़ों तक जाता है। अब ऐसे सेकेंड लेयर हम निकालेंगे, ये निकाला और ये। अब ये पूरा क्या होगा, ऐसे कर करके हमें पूरे सर में लगाने हैं, उससे क्या होता है कि ऑयल ना अंदर तक जाता है, क्योंकि रूट्स में जाना, रूट्स हाँ रूट्स में जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेंथ पे आप लगाओ या मत लगाओ, पर अपनी जड़ों में, बालों की जड़ों में लगाओ हमेशा ऐसे, जैसे मैं लगा रही हूँ कॉटन से, एक एक मांग निकाल के ऐसे ही आप लोगों को भी लगाना है, ठीक है। अब मैं पूरे सर पे लगा लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तेल लगा लिया, आप लोग देख सकते हो ऐसे आप लोगों को भी लगाना है। फिर मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को कि इसमें पूरा बर्फ़ जमा हुआ था, अब पूरा बर्फ़ निकल चुका है इसका, तो देख सकते हो कि बाहर अब एसी में से कितना पानी आया है, कितना। और सबसे अच्छी चीज़, अरे भाई चेक करो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है आज, शोर इतना है सुकून नहीं है। ये रही मैं, और अब मैं खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि हमें जब ऑयलिंग करनी है तो ना तो हमें कॉम करना है और ना ही हमें एकदम से नहाने जाना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा छोड़ो तब नहाने जाओ। जैसे मैं एक चीज़ अप्लाई करने जाती हूँ फेस पे, नहीं नोज़ पे और इस एरिया में, चिन एरिया में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे ब्लैकेट्स हो रहे हैं ये रहे, और मेरे यहाँ पे भी थोड़े थोड़े से हो रहे हैं। तो आप लोगों को भी करना है ग्लिसरीन में चीनी मिक्स करके और उसको अप्लाई करके हल्के से स्क्रब करना है, और चीनी पीसी हुई लेनी है, ठीक है। मैंने भी ले ली ग्लिसरीन और चीनी थोड़ी पीस ली थी, तो उसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने कहीं देखा था, मैं सोचा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसको ऐसे ऐसे लगाएंगे और हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे। तो आपने पहले देख लिया मेरे कि कैसे
हो रहे थे, अब मैं पूरा मसाज करूंगी अपने फेस को और फिर जब वॉश करके आऊंगी तो आप लोगों के सामने दिखाऊंगी कि हाँ मतलब होते हैं। अभी तो आपने देखे थे ये हो रहा है पूरा, तो फिर मैं चेक कराऊंगी आप लोगों को। पूरा स्क्रब कर लेते हैं, कम से कम 5 मिनट करना, पर हल्के हाथ से मसाज करना। अगर तेज़ हाथ से मसाज करोगे तो रैशेज भी हो सकते हैं फेस पे, ठीक है, चाहो तो आप पूरे फेस पे भी कर सकते हो इससे। तो देख सकते हो आप लोग कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने करा पूरा स्क्रब, देखो ब्लैकहेड पूरे ऐसे के ऐसे ही हैं। तो हाँ, बस एक चीज़ है कि पूरा मतलब स्किन पे थोड़ी सॉफ्टनेस सी आ गई है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा आ गई है, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो गई है। तो हो सकता है मेरे ज़्यादा हों तो इतने रिमूव नहीं हुए, तो मेरा तो स्क्रब से ही होते हैं, जो मैं नॉर्मल स्क्रब करती हूँ उसी से रिमूव होते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपके रिमूव हुए या नहीं हुए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता देना। एक मतलब इससे पहले ब्लॉग का जो है ना थंबनेल बना रही थी, तो मैंने बोला कि मुझे ना इसमें भूत लगाना है, भूत तो परिन बोल रही है ऐसे कर मेरी नहीं हुई कह रही, तो मेरी जगह भूती का फोटो लगा देती तो ये बैठी देख लो अपनी जगह भूत का फोटो लगवा रही है थंबनेल में, क्योंकि जो थंबनेल में रेडी कर रही थी जो ब्लॉग आ चुका है उसका, अगर आप लोगों ने नहीं देखा थंबनेल जाके तो देखो, जहाँ परी ने परी कह रही इससे बड़े तो वहाँ तो भूत ही लगा देती, मतलब ये जानती है कि इससे बढ़िया है भूत, भूल गई। हाँ, मैं नमाज पढ़ के आई तो मैंने देखा नाजा जी यहाँ कबाब बना रही हैं कच्चे कीमे के सोनू भाई के लिए, क्योंकि सोनू भाई जिम जाते तो इसलिए खाते हैं। और सोनिया जी पहली बार बना रही हैं पनीर की सब्जी, वाह। शॉपिंग वॉपिंग सब कर ली है और जब पूरी रेडी हो जाएगी ना दिखने में टेस्टी लग रहे हैं, तो ये थोड़ी पनीर नहीं बनाया, पनीर बाहर का है, तो जब पूरा रेडी हो जाएगा तो तब मैं आपको दिखाऊँगी। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, जब पनीर बन जाएगा तो मैं आप लोगों को उसकी शक्ल दिखाऊंगी, हाँ मतलब दिखाऊंगी कि कैसा बन गया, तो चलो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कोई कैसा बना है, देखते हैं। मतलब और सब खाना खा चुके हैं, दिखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है, और अब जल्दी से मैं भी खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। खाना खाते हैं फिर आपसे मिलेंगे। आई होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।